तो आज हम देखने वाले हैं हम किस तरह से एक स्टेप से पता कर सकते हैं आप प्रेग्नेंट है या नहीं। वैसे तो कई तरीके से हम पता कर सकते हैं प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाली सब बातें रहती हैं, जैसे कि पीएमएस और अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स और पीएमएस के बीच में अंतर लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि हमारा ओवुलेशन हो जाता है और ओवुलेशन के कई सारे दिन बाद हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तब तक हम वेट नहीं कर पाते। और आप अगर आपके पीरियड मिस हो जाने से पहले ही पता करना चाहते हैं आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आज हम जानने वाले कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं, एक स्टेप से ही पता कर सकते हैं, आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें, और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी स्टेप है जिससे हम पता कर सकते हैं, कंफर्म पता कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं बहुत ही आसानी से। हमारा जो सर्विक्स रहता है उसके जो फेजेस होते हैं वो हर फेजेस में अलग अलग, उसकी पोजीशन अलग अलग रहती है हर फेजेस में। जैसे हमारे ओवुलेशन से पहले हमारा सर्विक्स अलग पोजीशन में होता है, ओवुलेशन के दौरान उसकी पोजीशन अलग होती है, और इम्प्लांटेशन के बाद उसकी पोजीशन अलग होती है। तो हमें इसी पोजीशन के ज़रिए पता करना है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना है आपकी सर्विक्स की पोजीशन क्या है। तो पहले तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप घर पे ही करने वाले हो अपने साथ। तो पहले आपको आपके हैंड वॉश करने हैं, आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, और आप अपनी फिंगर इंसर्ट कर आपके सर्विस में आपकी फिंगर इंसर्ट कर करके आप देख सकते हैं आपकी सर्विस की पोजीशन क्या है। ओवुलेशन के बाद अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उस दौरान आपके सर्विस की जो पोजीशन रहती है वो हाई रहती है, आप फिंगर इंसर्ट करके पता कर पाते हैं आपकी सर्विक्स की पोजीशन अभी क्या है। अगर उसकी पोजीशन हाई रहती है तो आप कह सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है, और बेबी आपके यूट्रा लाइनिंग में, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट हो चुका है। तो और अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो आपका जो सर्विक्स है वो नीचे आएगा, उसकी पोजीशन है जो हाई जो हमने अभी देखी थी इम्प्लांटेशन के बाद हाई हो जाती है। अगर पीरियड्स आने वाले होते हैं तो पोजीशन नीचे आ जाती है सर्विक्स की, सर्विक्स ओपन हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे पीरियड्स आने वाले हैं, हमने कंसीव नहीं किया है। और अगर सर्विक्स आपको हाई दिखाई देता है, उसकी पोजीशन अगर ऊपर हो जाती है और आप अगर फिंगर इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सर्विक्स ऊपर दिखाई दे रहा है और सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये हाई लो आप पता नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज़ इसे आपको डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए ये सब करने के लिए, आप पता नहीं कर पा रहे ये सब चीज़ें, तो एक और ज़रिया है जिससे हम पता कर सकते हैं हमारा जो सर्विक्स होता है वो हमारा जो सर्विक्स होता है अगर आपने कंसीव नहीं कर लिया है तो वो अभी हमने देखा कि वो नीचे आ जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है तो सर्विक्स ऊपर जाता है और हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट ही होता है। अगर आपका सर्विक्स ऊपर है और आपको सॉफ्ट फील हो रहा है, जैसे आप अपने लिप को टच करते हैं तो आपको सॉफ्ट फील होता है, वैसे अगर आप सॉफ्ट फील कर रहे हैं तो आपने कंसीव कर लिया है। अगर आप सर्विक्स अपना हार्ड फील कर रहे हैं, ऐसे अपने फिंगर्स के बोन को आप पुश करके देख सकते हैं, तो आपने कंसीव नहीं कर लिया है। तो ये आसान, आई थिंक काफ़ी आसान तरीका है जो आप पीरियड मिस होने से पहले अपने घर में कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीरियड्स मिस होने से पहले आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और
आप वो खुशी पा सकते हैं जो आपको चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।